हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 9, जिसमें आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है और इस वेपर प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट आते हैं। तो पहले हमें वेपर प्रेशर समझना है और वेपर प्रेशर के बाद समझना है कि वेपर प्रेशर किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कि कंटेनर मैंने ले लिया और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भर लिया। लिक्विड है, साथ में आप सभी लोग नोट्स बनाते जाइए, तभी पढ़ने से कुछ मतलब होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो देखिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे ये है। ये जो मॉलिक्यूल लिक्विड का है, ये सरफेस का है, ये सरफेस पे है, ये इनर साइड में है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे सरफेस के हो गया, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। ये सरफेस के मॉलिक्यूल में दो बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। क्या? जैसे नंबर वन, पहला पॉइंट तो ये है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स को बहुत कम फील करते हैं, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स कम है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बीच में होगा, ये इधर से भी अट्रैक्शन होगा, यहां से भी होगा, यहां यहां चारों ओर से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन जो सरफेस पे होगा वो वन साइड तो ओपन है, तो वहां तो अट्रैक्शन लगेगा नहीं। तो सरफेस मॉलिक्यूल आप लिक्विड एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम फील करेंगे। सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेंगे। ये सरफेस पे, जो सरफेस पे है। सेकेंड पॉइंट, अब सरफेस पे है तो सरफेस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस पे लाइट पड़ रही होगी, हीट उस पे पड़ रही होगी, तो उस लाइट और हीट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो दे है मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी दे है मोर काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल कैन इवेपोरेट, इवेपोरेट हो जाएगा। और जब ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा तो वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, तो इस लिक्विड का जो वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी सरफेस मॉलिक्यूल कैन इवेपोरेट। रिजल्ट, रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। फिर आप लोग समझिए, वेपर प्रेशर की ओर जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर के पहले मैंने समझाया कि अगर किसी कंटेनर में आप लिक्विड ले लेंगे
तो लिक्विड में जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, इस लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल में ये दे एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो सरफेस मॉलिक्यूल कैन इवेपोरेट, वो उड़ जाएंगे। और जब सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ेंगे तो इस लिक्विड का जो वेट है वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कंटेनर ओपन है, ओपन खुला है, तो वेपर एस्केप हो जाएगी, उड़ गई। और अगर मान लीजिए इस कंटेनर को हम ऐसे बंद करते हैं यहां पे, तो जो वेपर बनेगी वो वेपर इस सरफेस पे यहां पे कुछ प्रेशर लगाएगी, जो प्रेशर लगाएगी उसी का नाम है वेपर प्रेशर। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन बन गई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, हम उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। जैसे देखिए कंटेनर दो तरीके का होगा, दो तरीके का कंटेनर होगा, कैसा? एक ओपन कंटेनर, जो कंटेनर है ये कंटेनर दो तरीके का हो गया, एक आपका ओपन कंटेनर हो गया। ओपन कंटेनर ये है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, वेपर बनेगी और ये वेपर बनकर के उड़ जाएगी, तो वेपर जो होगी वो एस्केप हो जाएगी। और ये जब एस्केप होगा तो वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, तो उस वेपर का जो वेट है, लिक्विड का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा है जिसका नाम है क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, यहां पे आपका लिक्विड है सरफेस के मॉलिक्यूल और ये बंद है, यहां से जो वेपर बनेगी अब ये एस्केप तो हो नहीं पाएगी। वेपर आप यहां कहोगे वेपर कैन नॉट एस्केप। तो जब वेपर बनेगी तो इसको हम बोलेंगे इवापोरेशन, क्या हो रहा है? इवापोरेशन, इस तरीके से हम इसको इवापोरेशन बोल दिया। और यहां वेपर गई, कुछ वेपर कंडेंस होकर के नीचे भी आएगी, कुछ वेपराइज होकर ऊपर जाएगी, तो यहां कंडेंसेशन भी होगा। और ये कंडेंसेशन और वेपराइजेशन एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहेंगे, यानी यहां पर लिक्विड और इस तरीके से वेपर में इंटरचेंज होगा। तो जो वेपर यहां से बनेगी और बनने के बाद यहां पे जो प्रेशर डालेगी, क्योंकि ये तो क्लोज है ना, यहां वेपर बनी वो तो एस्केप हो गई, जिसकी वजह से वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज हो गया, लेकिन यहां पर वेपर एस्केप नहीं होगी, वो वेपर इस है सरफेस पे यहां पे जाकर के प्रेशर अप्लाई करेगी। जो प्रेशर लगेगा इसी प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, इसे हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो डिफिनेशन बड़ी सिंपल बन गई कि भाई अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो आप सभी लोग समझिए, फिर समझ लीजिए, ओपन कंटेनर में लिक्विड होगा वेपर बनेगी वो स्केप हो जाएगी, क्लोज्ड में वेपर बनेगी वो वेपर ऊपर जाएगी, कंडेंस होकर फिर लिक्विड में आएगी, इस तरीके से लिक्विड वेपर
एक दूसरे में इंटरचेंज होगी, यहां से वेपर जो बनेगी वो यहां पे प्रेशर डालेगी, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये भी वेपर प्रेशर है लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर डालेगी, तो यहां पे आप समझिए वेपर प्रेशर। और इसी से हम लोग एक डिफिनेशन बना लेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है। देख लीजिए बहुत ही सिंपल डिफिनेशन बनेगी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हम इसे वेपर प्रेशर कहेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जैसे मान लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके समझ लीजिए, ये एक प्रेशर कुकर मान लीजिए, इस तरीके से प्रेशर कुकर है और इसी में आपने ऐसे वाटर को भर लिया। इसमें मान लीजिए वाटर, मैं इसको भर दिया और ये प्रेशर कुकर मान लीजिए ओपन है, आप इसे हीट करेंगे वेपर बनेगी, ये ऐसे यहां से वेपर बनेगी, वही स्टीम वेपर। ये वेपर क्या हो जाएगी, स्केप, और जिसकी वजह से इस वाटर का जो वेट है वो कम हो जाएगा। गर्म करते रहोगे पानी उड़ता रहेगा, वेपर बनती जाएगी, उड़ती जाएगी और इसका वेट कम होता रहेगा। अगर हम इसी को बंद कर दें, मान लीजिए हमने इसको ऐसे बंद कर दिया और इसके ऊपर जो कार की सीटी है उसको भी मैंने जाम कर दिया, अब क्या होगा, जो वेपर बनेगी वो निकल तो पाएगी नहीं, वो क्या करेगी, इस ढक्कन पे प्रेशर लगाएगी और वो इतना प्रेशर लगाती है कि वो ढक्कन नीचे नहीं जाता है। यही तो वेपर प्रेशर है, इसी वेपर प्रेशर को समझा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब वेपर से जो प्रेशर लगे वो वेपर प्रेशर है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि इस वेपर प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे, तो सबसे पहले आता है कि साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर तो याद रखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। जैसे मानो गिलास में आपने पानी ले लिया यहां पे, तो वेपर बनेगी और इसी पानी को आपने ऐसे थाली में डाल दिया, तो अब वेपर क्या होगी, इस तरीके से ज्यादा बनेगी, कोई सरफेस एरिया बन गया। यानी आप ये कह सकते हो इवापोरेशन जो होगा, इवापोरेशन ये प्रोपोर्शनल टू होगा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। भाई गिलास में पानी लोगे तो उसका सरफेस एरिया कम है तो वेपराइजेशन कम होगा, वही पानी अगर थाली में डाल दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ गई,
तो वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहो या लिक्विड कहो उस पे होता है। लेकिन जो वेपर प्रेशर है, ये इवापोरेशन वेपर प्रेशर, ये इस सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ये पर यूनिट एरिया होता है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में मेजर करेंगे। यानी यहां का अगर मान लीजिए वेपर प्रेशर आप इतने एरिया का मेजर करोगे तो इसमें भी इतने एरिया का मेजर करना पड़ेगा। जो एरिया तुम यहां लोगे वही एरिया हमें यहां पे लेना पड़ेगा। पर यूनिट मान लीजिए इसका पर यूनिट एरिया है, तो ये पर यूनिट एरिया और ये पर यूनिट, जो वेपर प्रेशर इस एरिया से डेवलप होगा वही वेपर प्रेशर यहां होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगा, पानी जल्दी जल्दी उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा उड़ेगा और उस लिक्विड का वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन जो वेपर प्रेशर होगा उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या हो गया? यानी किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो कंटेनर के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को जो हम मेजर करते हैं पर यूनिट एरिया होता है। तो पर यूनिट एरिया जो इसमें होगा वेपर प्रेशर, वही पर यूनिट एरिया इसमें होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस में दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक तो वोलेटाइल होता है और दूसरा एक होता है नॉन वोलेटाइल। अब जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वोलेटाइल कवर उसका वेपराइजेशन होना है। और इसके एग्जाम्पल में आपको समझा दें, एग्जाम्पल में जैसे H2O है, मेथिल एल्कोहल होगा, एथिल एल्कोहल होगा, बेंजीन होगा, टॉलुइन होगा, ये हमने वो सॉल्वेंट लिखे हैं वोलेटाइल लिक्विड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं। यही आपको देखना न्यूमेरिकल में मिलेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 18 होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। इसका 32 होता है, जरूरत पड़ेगा 46 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है, 92। तो ये मॉलिक्यूलर वेट, और यही आपको वोलेटाइल लिक्विड यूज होगी न्यूमेरिकल में और एक्सपेरिमेंट। यहां पे जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगी उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो वोलेटाइल तो होंगे नहीं। जैसे चीनी है, चीनी को आप चाहे इतना गर्म करें, क्या वोलेटाइल है? क्या उससे वेपर बनेगी? वेपर उससे बनेगी नहीं। आप चीनी को पानी में डाल दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए, घोल दीजिए, शरबत बना दीजिए, फिर उसके बाद हीट करना स्टार्ट करो, क्या होगा? पानी उड़ना स्टार्ट, पानी उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, लास्ट में क्या होगा? चीनी जितनी आपने डाली थी वो चीनी आपको मिल गई। तो वो चीनी क्या है? नॉन वोलेटाइल है और उसका वेपर प्रेशर जीरो होगा। इसके भी एग्जांपल जो न्यूमेरिकल में एक्सपेरिमेंट में जनरली यूज होगी, ग्लूकोज,
ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। इसी तरीके से सुक्रोज एक है, ये भी बहुत निवर्कल में यूज होगा, C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, 342। और एक यूरिया, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा निवर्कल में, ये NH2 CO और NH2 होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। तो वेपर प्रेशर के बेस पर ये तो पॉइंट आपका अलग हो गया, इसमें वोलेटाइल जो लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर होगा। अब वोलेटाइल लिक्विड पे जो वेपर प्रेशर है वो दो पॉइंट पे डिपेंड है, क्लियर हो गया? एनी नेचर ऑफ सब्सटेंस टू टाइप वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा, ये तुम्हारे लिक्विड होंगे, सॉल्वेंट यूज किए जाएंगे, और जो नॉन वोलेटाइल होंगे जनरली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आएंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से दो फैक्टर हैं जो वोलेटाइल पे डिपेंड है। देखिए इसमें वोलेटाइल लिक्विड आया, वोलेटाइल लिक्विड। अब वोलेटाइल लिक्विड में दो कंडीशन है, नंबर वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जब हम लोग जाएंगे तो जो वेपर प्रेशर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। अब जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, आप एथिलीन को ले लो, तो इस केस में वाटर में देखेंगे तो हाइड्रोजन में इसमें फोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और ये तुम्हारा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाएगा तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा बना होगा, ये मॉलिक्यूल ज्यादा बन जाएंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से बनेगी, क्योंकि लोन पेयर में रहता है, तो एक मॉलिक्यूल वाटर का चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे बहुत टाइटली हेल्ड होंगे। तो अगर हम देखें पी नॉट इस एथिल अल्कोहल का, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये ज्यादा उड़ेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इस वाटर से। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहां पर एथिल अल्कोहल आपने ले लिया, यहां पर एथिलीन ग्लाइकॉल ले लिया, और यहां पे मान लीजिए आपने ग्लिसरॉल ले लिया, ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH CH2OH यहां से चल रहा, ये एथिल अल्कोहल एथिलीन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, आप देखेंगे कि यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें ज्यादा तो वे मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, तो पी नॉट इसका ज्यादा होगा, इसके बाद पी नॉट इसका, और इसके बाद जो है पी नॉट इसका, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम बनेगा, और इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। एक लास्ट पॉइंट इसी में और है, वो है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर में ये तो भी बहुत ही सिंपल है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस बढ़ाने पर सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर ले लिया, यहां पर वेपर प्रेशर, तो इस तरीके से इसका ग्राफ ऐसे जाएगा।
यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इस वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर में पहला पॉइंट मैंने बताया कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया या साइज या शेप ऑफ कंटेनर एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस टेम्परेचर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म को यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। थैंक यू। नोट्स बनाते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट कौन कौन, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। लेकिन अब यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, यानी ये टू वोलेटाइल लिक्विड जो जो दो लिक्विड होंगे यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब वेपराइज हो सकते हैं, इनकी वेपर बन सकती है और वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूट होगा ये आपका वोलेटाइल होगा और ये भी आपका वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड होगा तभी वोलेटाइल होगा, इसका मतलब ये भी हो गया लिक्विड, यानी दोनों लिक्विड। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एथिल अल्कोहल ले लिया और प्लस मेथिल अल्कोहल दे क्या लिया, दोनों लिक्विड है, दोनों को मिलाओगे सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों की वेपर बनेगी, दोनों का वेपर प्रेशर होगा। ऐसे मान लीजिए आपने बेंजीन ले लो प्लस टॉलुइन, देखिए जो अभी मैंने एग्जांपल बनाए थे लिखाए थे वही जा पे यहां पे आने लगा, दोनों लिक्विड है दोनों वोलेटाइल है। तो इस तरीके से इसका मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट मान लिया, ए कंपोनेंट पी नॉट का मतलब प्योर प्योर वेपर प्रेशर, यहां पर P नॉट बी हो, ये कंपोनेंट A और ये कंपोनेंट B और ये इनका प्योर वेपर प्रेशर है। क्लियर हो गया, यानी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों वोलेटाइल होंगे, दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, दोनों का वेपराइजेशन होगा, दोनों का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि मेन हेडिंग लिखी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, यानी जिसमें टू लिक्विड हो जो वोलेटाइल कंडीशन में हो। क्लियर हो गया। अब जैसे हमने दो सॉल्यूशन लिया और लेने के बाद उन दोनों को मिक्स किया, देखना जैसे मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, यहां पे लिक्विड लिया सॉल्यूशन नहीं, यहां पे लिक्विड आपने ए ले लिया, तो ए लिक्विड जब आप लेंगे प्योर है तो यहां से वेपर बनेगी और इस वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए।
एक दूसरा बीकर जिसमें हमने लिक्विड ले लिया, यहां से भी वेपर बनेगी, ये पीबी नॉट हो जाएगा। इस तरीके से ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी हो गया। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया, और मिलाने के बाद हमें यहां पे सोल्यूशन मिल गया, यहां पे सोल्यूशन मिल गया। अब इस सोल्यूशन में सरफेस पे कुछ ए के मॉलिक्यूल होंगे और कुछ तुम्हारे बी के मॉलिक्यूल होंगे। अब कुछ ए के मॉलिक्यूल, कुछ बी के मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हमने बना दिया ए बी ए बी ए, अब इनका वेपराइजेशन होगा। अब ये आपका मिल गया सॉल्यूशन, क्योंकि दो कंपोनेंट मिला है ए और बी, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब यहां ए से जो वेपर बनेगी, तो अब हम इसको पी ए बोलेंगे। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, मतलब अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, ये प्योर है, पीए नॉट कर दिया, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, और ये जो है सॉल्यूशन, जब इन दोनों को मिलाया तो ए का जो वेपर प्रेशर यहां बनेगा उसको हम पी ए बोलेंगे, और जो बी का बनेगा उसको हम बोलेंगे पी 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 पी। इसमें जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एक्स ए, एक्स बोले एक्स ए, या हम इसको जीटा बोल सकते, इसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या लिक्विड कह सकते हो, कंपोनेंट या लिक्विड ए। और इसी में दूसरा भी कंपोनेंट है ना, बी एक्स बी, ये क्या है, इसको बोलोगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या लिक्विड बी। फिर आपको क्लियर समझे, यहां पे एक ये कंटेनर जिसमें लिक्विड ए है, इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट है, यहां पे लिक्विड बी है, इसका प्योर वेपर प्रेशर पी बी नॉट है, इन दोनों को मिला दिया, ये सोल्यूशन मिल गया। इस सोल्यूशन में जो पी ए का वेपर प्रेशर होगा उसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, इसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ए में इसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो एक्स ए होगा, और एक्स बी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी अर्थात लिक्विड बी का होगा। तो अब यहीं से एक राउंड सर्कल डेवलप होगा। इस सॉल्यूशन की बात कर, इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हटा देते हैं, इस सॉल्यूशन की बात करें तो हम देख सकते हैं पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये राउंड्स ने बताया, यही राउंड्स लॉ है। क्या है, अकॉर्डिंग टू राउंड्स इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका मतलब क्या, देखिए यहां पर अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ए का मोल फ्रैक्शन का मतलब ए की अमाउंट ज्यादा होगी, ए के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। अगर ए के मोल ज्यादा है, ए की अमाउंट इसमें ज्यादा है, तो ए का वेपर भी ज्यादा बनेगी,
और जब वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। भाई मान लो आपने पानी ले लिया और आपने एथर को ले लिया, अब पानी के अमाउंट आपने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है पानी के, एथर को नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है, तो वेपर प्रेशर वाटर का ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर का आपने ज्यादा अमाउंट डाली है, पूरा पानी भरा पड़ा उसमें, एथर को तो बहुत ही कम है ना के बराबर, अगर पानी कम डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के राउल्स की बात यहां समझ में आ रही है कि जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी हम राउल्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, आप लोग नोट्स साथ में बढ़ाते चले, राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स इन ए सोल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, या आप ईच लिक्विड भी लिख सकते हो, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, क्योंकि ये जो प्रेशर है ना इसी को हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और ये हमारे पास है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का सोल्यूशन में वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, जिसे मान लो पी ए मान लेता हूं तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो जाएगा। बताइए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है, ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन, हम ये सारे कंपोनेंट क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हम एक सेकेंड लिख देते हैं। पी ए नॉट ये हमारा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, लिख देता हूं प्योर लिक्विड ए, पी बी ये नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये हो गया वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन हो गया, इन सोल्यूशन पी बी हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन, और एक्स ए हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, और एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। सब तो ये जो डिफिनेशन बनी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स इन ए सोल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट या लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये बना। यह हम देख सकते हैं पी ए दिस इक्वल टू के और एक्स ए, इक्वेशन नंबर वन। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर मान लीजिए लेट अस कंसीडर, लेट अस
consider x a equal to 1. तो फिर x b इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं x a प्लस x b इक्वल टू 1 होता है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर दें तो फिर इसकी वैल्यू 1 आती है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन a 1 मान लिया तो b का मोल फ्रैक्शन 0 आ जाएगा। और एट दिस कंडीशन पीए तुम्हारा पीए नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मोल फ्रैक्शन इसका 1 लेने का मतलब हो गया कि प्योर सॉल्वेंट के लिए पीए फिर पीए नॉट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम आएंगे पीए के स्थान पे, हम पीए नॉट रख दिया के, और ये 1 हो गया। क्यों? कोई एक्स ए 1 माना तो एक्स ए के प्लेस पे 1, तो के की वैल्यू जो हमारी आ गई वो पीए नॉट हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा? पीए दिस इक्वल टू पीए नॉट और एक्स ए, इसी को राउंड्स लॉ बोलते हैं। जैसे ये बनाया तैसे तुम बना सकते हो पीबी दिस इक्वल टू पीबी नॉट और एक्स बी लिख सकते हो, यही राउंड्स लॉ है। कब राउंड्स लॉ है? राउंड्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड वहां का राउंड्स लॉ है। अभी राउंड्स लॉ एक और पढ़ेंगे, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, वो राउल्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल लिक्विड वाला होगा। इसमें दोनों लिक्विड वोलेटाइल है। फिर समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, आपने दो लिक्विड लिया ए और बी, ए का प्योर वेपर प्रेशर पीए नॉट हो गया, बी का पीबी नॉट हो गया, ठीक। इन दोनों लिक्विड को आपने मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो ए भी वोलेटाइल है बी भी वोलेटाइल है, तो दोनों फिर वेपराइज होंगे, फिर दोनों का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अब जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर नहीं रहेगा, अब उस वेपर प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। वही देखिए, ये पीए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पीबी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पीए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए पार्शियल है। देखिए आप पार्शियल पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, और ये पी बी होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। इसके बाद दोनों का मोल फ्रैक्शन। फिर जब सॉल्यूशन बन गया तो राउल्स ने कहा कि भाई जो सॉल्यूशन बना है तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जिसके उसमें मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो ऐसी कंडीशन में राउल्स लॉ इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ईच लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसे पीए है तो ये जो सॉल्यूशन बना इस सॉल्यूशन में अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो PA proportional to XA हो गया, यहां K आ गया proportionality constant। Let us consider, मान लीजिए कि XA equal to 1 है, तो XA 1 हो गया तो XB 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों component के mole fraction का जो sum होगा 1 होगा, 1 तो XB 0 हो गया। इसलिए ऐसे condition पे at this condition PA तुम्हारा PA not हो जाएगा। क्यों? को XB है ही नहीं, क्योंकि एक्स बी तो 0 हो गया, तो पीए को पीए नॉट कहेंगे। तो पीए के, तो इसीलिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 में हम पीए के प्लेस पे पीए नॉट रख दिया के, और इसके प्लेस पे 1 रख दिया, के की वैल्यू आ गई पीए नॉट। इसी पीए नॉट के प्लेस पे हमने पीए नॉट रख दिया, ये क्वेश्चन, यही राउंड्स लॉ है।
अब इस इक्वेशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो इस राउंड सलाह को फॉलो करेंगे, इस राउंड सलाह को फॉलो करेंगे, इसको करेंगे फॉलो। जिस तरीके से तुमने ये किया है, अगर हम इसी प्लेस पे बी ले लें, यहां पे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, और यहां पे लेट अस कंसीडर एक्स बी इक्वल टू वन, तो यहां एक्स ए जीरो हो जाएगा। फिर हम वैल्यू रखेंगे एट दिस कंडीशन, तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट हो जाएगा, बार कॉल टू पी बी नॉट इक्वल टू के, और यही वैल्यू रख करके तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट और एक्स, ये राउंड सलाह हो गया। टोटल वेपर प्रेशर अगर हम से कहा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर बताइए क्या है, तो टोटल वेपर प्रेशर आएगा पी टी दिस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये टोटल वेपर प्रेशर है, यानी दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ दिया तो ये टोटल आ गया, और इसी को हम डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। देखिए टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो दो लिक्विड थे ना उनके जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उनके सम को हम टोटल वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये या PT इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट और एक्स बी, इस तरीके से यहां पर ये हुआ। अब इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनता है, क्लियर हुआ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, तो उसका सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ये हो जाएगा, यानी दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम, और दोनों का पार्शियल प्रेशर ये उसका प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस दूसरे का पार्शियल वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। अब इस फॉर्मूले पर जो है न्यूमेरिकल होंगे, तो कई न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से पता करके हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर होती रहे और आपका अच्छी प्रिपरेशन चलती रहे। ओके, थैंक यू।